हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और आज है महिला दिवस, तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को महिला दिवस की ढेर सारी बधाइयां मेरी तरफ से। और आज मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को कमज़ोर ना समझें। जो पुरुष अपनी महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं, आज भी बहुत से देश ऐसे हैं, 21वीं सदी में आज भी लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं, सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगी मेरे बिना, ये मेरे बिना कुछ नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आप लोग अपने मन से इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए। महिलाएँ जब अपने पर उतरती हैं ना, तो अच्छों अच्छों को घायल कर देती हैं। तो आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगी, महिलाओं को कमज़ोर ना समझें, महिलाओं को अपने पैरों की धूल ना समझें। महिलाओं में बहुत ताकत है, महिलाएं अच्छे से सबको धूल चटा सकती हैं। तो कृपया करके महिलाओं की इज्जत करें, उनका सम्मान करें, उनको मान दें, उनको प्यार दें, उनको समाज में रहने की हर अधिकार दें। महिलाएं जो होती हैं बहुत त्याग करती हैं। आप लोग क्या महिलाओं की तरह बन पाओगे? हम लोगों की तरह इतना स्ट्रांग बन पाओगे? हम लोग क्या नहीं करते हैं? हम लोग के कई रूप होते हैं, हम लोग कितनी बार कितने रूप धारण करते हैं। कभी एक अच्छी बेटी बनते हैं, कभी एक अच्छी माँ बनते हैं, कभी एक अच्छी पत्नी बनते हैं, कभी भाभी बनते हैं, कभी काकी बनते हैं, कभी चाची बनते हैं, कभी ताई बनते हैं, और कभी ना जाने क्या क्या बनते हैं। तो हम लोग बहुत सारे रूप धारण करते हैं। अगर हम लोग आपके परिवार को लेकर के चलते हैं, घर को मंदिर बना देते हैं, घर को स्वर्ग बना देते हैं, तो आप लोग हम लोग का साथ क्यों नहीं दे सकते हैं? क्यों आदमी सोचता है कि औरत हमारे बिना कुछ भी नहीं है? औरत सब कुछ कर सकती है अगर वो अपने पे उतर आए। चार लाइनें केवल आप लोगों के लिए। क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों नर दिखलाए झूठा बन। नारी जब जिद पर आ जाए, अबला से चंडी बन जाए, उस पर न करो कोई अत्याचार, तो सुखी रहेगा घर परिवार। उस पर न करो कोई अत्याचार, तो सुखी रहेगा घर परिवार। तो आपको इन चंद लाइनों से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि नारी पे कभी अत्याचार मत करिए। अगर आप अत्याचार करेंगे तो आपका घर परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी वो घर मंदिर नहीं बन पाएगा, कभी वो घर संजोग नहीं पाएगी, कभी वो घर मंदिर नहीं बन पाएगा, कभी वो घर है ना आपका तरक्की पे नहीं जा पाएगा। आप अगर औरत का सम्मान करेंगे तो आपको सारा राजयोग मिलेगा। कहते हैं ना लक्ष्मी जी, औरतें जो होती हैं देवी का रूप कही जाती हैं, लक्ष्मी कही जाती हैं। तो आप अगर है ना औरत का अपमान कर रहे हैं, मतलब कि आप लक्ष्मी माँ का अपमान कर रहे हैं, आप दुर्गा जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि औरतों की ही पूजा की जाती है। नवरात्र आते हम लोग नौ देवियों को पूजते हैं, वो सारी देवियाँ हम ही लोगों में तो समाई होती हैं, हम ही लोगों के तो रूप होते हैं। जब हम लोग सहते सहते एक सीमा पार हो जाती है, तब कहते हैं कि औरत चंडी का रूप धारण कर ली है ना। तो कृपया करके ऐसा काम मत करिए, कृपया करके ऐसा काम मत करिए कि आपको कि औरत को चंडी का रूप धारण करना पड़ जाए। तो चार लाइनें मैं और आपको एक कविता में आपको सुनाना चाहूँगी, मैंने लिखी है, आप लोग को शायद पसंद आएगी और उसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मन ही मन में रोती फिर भी बाहर से हंसती है, मन ही मन में रोती फिर भी बाहर से हंसती है, बार बार बिखरे बालों को संवारती है, बार बार बिखरे बालों को संवारती है। समझ रहे ना आप लोग? मन ही मन में रोती फिर भी बाहर से हंसती है, बार बार बिखरे बालों को वो संवारती है, शादी होते ही सब कुछ पीछे छूट जाता है, शादी होते ही सब कुछ पीछे छूट जाता है, सखी सहेली आज़ादी से मायका छूट जाता है, सखी सहेली आज़ादी सबसे मायका छूट जाता है। अपनी कटी हुई एड़ियों से साड़ी को ढकती है, अपनी कटी हुई एड़ियों से साड़ी को ढकती है, अपनी कटी हुई एड़ियों से साड़ी को ढकती है, स्वयं से ज़्यादा वो परिवार का ख्याल रखती है, स्वयं से ज़्यादा वो परिवार का ख्याल रखती है। सब उस पर अधिकार जमाते वो समाज से डरती है, सब उस पे अधिकार जमाते वो समाज से डरती है, शादी होकर लड़की जब ससुराल में जाती है, शादी होके जब लड़की ससुराल में जाती है, भूल कर वो मायका घर अपना बसाती है,
भूल करके मायका वो अपना घर बसाती है। जब वो जाती है तो आंगन खुशियों से भर जाता है। जब वो जाती है तो आंगन खुशियों से भर जाता है। सारे परिवार को खाना खिलाकर फिर वो खाना खाती है। सारे परिवार को खाना खिलाकर फिर वो खाना खाती है। जो नारी घर संभाले तो सबकी जिंदगी सवर जाती है। जो नारी घर संभाले तो सबकी जिंदगी सवर जाती है। बिटिया शादी के बाद कितनी बदल जाती है। बात सही है, पॉइंट की बात है। देखिए, बिटिया शादी के बाद कितनी बदल जाती है। जो पापा हमारे हमसे एक ग्लास नहीं उठवाते थे, मैं अपने मायके में कभी काम नहीं की, शादी होने के बाद आज हमारे पापा मम्मी कहते हैं कि अरे हमारी बेटी इतना बदल गई, अपने आंसुओं को छुपाने लगी, अपने दुख को छुपाने लगी, अपने कहाँ इसको एक अगर चीरा लग जाता था तो इसकी आंखों से आंसू निकल आता था, और आज इसको दर्द होता है तो ये किसी को नहीं बताती है। बहुत फीलिंग्स हैं, गहराई तक जाइए, सोचिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। महिलाएं, लड़की ऐसी चीज बनाई गई है, इतनी ताकत है ना भगवान ने औरतों में दी है, सहन करने की क्षमता जिसे कहते हैं। तभी तो कहते हैं नारी बहुत सहन शक्ति वाली होती है, नारी बहुत सहनशील होती है। नारी का कभी अपमान मत करिए, नारी का कभी है ना मजाक मत उड़ाइए। नारी आपके लिए बिंदी लगाती है, आपके नाम का सिंदूर लगाती है, आपके नाम की मेहंदी लगाती है, आपके नाम की बिछुए पहनती, आपके नाम की पायल पहनती, आपके नाम के कंगन पहनती, सब कुछ तो उसने आपके नाम कर दिया। आप क्या हैं? आप कंगाल हैं। उसने तो आपको पूरा दान दे दिया, आपको किस बात का घमंड है? हम तो कहते पुरुषों को किस बात का मान है, उनको अपने ऊपर मान नहीं होना चाहिए, अभिमान तो औरतों के ऊपर होना चाहिए। औरत एक ऐसी चीज है जो अपने नाम का तो कुछ लेती ही नहीं है, सब कुछ तो वो आपके नाम कर दी, आपने उसे क्या दिया? आपने सिर्फ उसको अपना एक नाम दे दिया बस। क्या सिंदूर आपके नाम का, मेहंदी आपके नाम की, महावर आपके नाम की, चूड़ी आपके नाम की, बिंदी आपके नाम की, सारा 16 श्रृंगार सब आपके नाम का। गहराई तक जाइएगा, फिर सुनिए आगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। आखिर नारी क्यों डर डर के बोलती गुलामी की आवाज में, आखिर नारी क्यों डर डर के बोलती गुलामी की आवाज में, गुलामी में जागती गुलामी में सोती है। अपने मन की बातें कोई औरत कह पाती है? कुछ भी कहना होता है 10 बार सोचती है ये बात कहेंगे, पता नहीं कोई नाराज ना हो जाए, अपने मन में सारे राज छुपा के चली जाती है, जाती है ना। दहेज की वजह से हत्याएं जिनकी होती हैं, दहेज की वजह से हत्याएं जिनकी होती हैं, जीना उसी चार दीवारों में वो मरती हैं। जिस दिन सीख जाएगी वो हक की आवाज उठाना, जिस दिन सीख जाएगी वो हक की आवाज उठाना, उस दिन मिल जाएगा उसको सपनों का ठिकाना। जिस दिन मिल जाएगा उसको हक की आवाज उठाना, उस दिन मिल जाएगा उसको सपनों का ठिकाना। खुद बदलो समाज बदलेगा वो भी दिन आएगा, खुद बदलो समाज बदलेगा वो भी दिन आएगा, जब पूरा ससुराल तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाएगा, जब पूरा ससुराल बैठकर तुम्हारे साथ खाना खाएगा। लेकिन आजादी का मतलब भी तुम भूल मत जाना, लेकिन आजादी का मतलब भी तुम भूल मत जाना, आजादी समानता है ना कि शासन चलाना, आजादी समानता है ना कि शासन चलाना। रूढ़ीवादी घर की नारी आज भी गुलाम है, रूढ़ीवादी घर की नारी आज भी गुलाम है, दिन भर मशीन की तरह पड़ता उस पर काम है, दिन भर मशीन की तरह पड़ता उस पर काम है। दुखों के पहाड़ से वो झरने की तरह झरती है, दुखों के पहाड़ से वो झरने की तरह झरती है, क्योंकि नारी महान होती है,
तो आपको समझ में आया मैंने इस पूरी कविता में क्या समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद लड़की बदल जाती है, वही लड़की जो शादी के पहले कभी कुछ काम नहीं करती थी, आज वही लड़की अपने आंसू अपने पापा से छुपा लेती है, आज वही उस लड़की को कोई कष्ट होता है तो वो बता नहीं पाती है, कोई बात उसे कहनी होती है तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज भी महिलाएं पिछले समय में जी रही हैं, और जिस दिन अगर उनको आज़ादी मिल गई, जिस दिन अगर उनको आज़ादी मिल गई तो शायद उनके सपनों का ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो मैं सभी औरतों से यही कहना चाहती हूँ, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, किसी पे डिपेंड मत रहिए। आप जितना डिपेंड रहेंगे, आप जितना है ना जितना लच के रहेंगे, जितना आप सोचेंगे कि अरे मुझे दब के रहना है, जहाँ गलत है आप वहाँ आवाज़ ज़रूर उठाइए। मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि जहाँ गलत हैं आप वहाँ आवाज़ ज़रूर उठाइए। गलती का अगर गलत का आप साथ देंगी तो आप भी गलत कहलाएंगी। आप गलत नहीं हैं, आप जरूर है ना अपनी आवाज उठाइए। नारी है तो क्या मतलब है, दब के जीना नहीं सीखा हमने? हम भी नारी हैं, दबेंगे नहीं, लचेंगे नहीं, जहां लचना है वहां सर झुकाएंगे, लेकिन जहां लचना नहीं है, जो चीज गलत है तो उस पे हम आवाज उठाएंगे। तो आप लोग अपनी जो लोग पुराने ख्याल के हैं, जो लोग लड़कियों को इज्जत नहीं देते हैं, जो लोग आज भी कहते हैं कि अरे लड़की हो गई बड़ा दुख हुआ, ये काम मत करिए। लड़की होना कोई अपराध नहीं है। एक बार लड़के आपको धोखा दे देंगे, लड़की तो ममता का रूप है, जिस घर जाएगी वहां है ना स्वर्ग बना देगी, जिस घर में जाएगी वहां रोशनी कर देगी। लड़का एक बार आपका बुढ़ापे में साथ छोड़ देगा, पर लड़की कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। लड़की के अंदर इतनी ममता होती है। तो कृपया करके जो माँ बाप अगर सोचते हैं हमारी लड़की हो गए पुराने रूढ़िवादी हैं, तो वो अपने मन से ये दिमाग से ये गंदगी निकाल दें, अपनी लड़की को पढ़ाएं, खूब आगे बढ़ाएं। लड़की बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती है, क्योंकि मुझे लड़कियों से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। लड़की को हमेशा अच्छा बनाइए, लड़के से ज्यादा अच्छी होती हैं लड़कियां, बाप की रानी होती हैं लड़कियां, माँ की आंखों का तारा होती हैं लड़कियां। लड़की होना कोई अपराध नहीं है। जिनके घर लड़कियां हैं, समझिए लक्ष्मी माँ आ गई आपके घर, समझिए दुर्गा जी आ गई आपके घर। तो कृपया करके अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग को लाइक, और हमेशा लड़की को ये सिखाइए कि बेटा गलत का साथ नहीं देना है, अच्छों का साथ देना है, अच्छे बन के रहना है। आप भी लड़कों से कम नहीं हो। लड़के क्या हैं, लड़के भी डॉक्टरी कर रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं। अब तो लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं, हर काम में हर क्षेत्र में है ना लड़कियां तेज हो रही हैं। आजकल की औरतों को देख लीजिए, कोई काम ऐसा जो औरत ना कर पाए, औरत भी सारे काम कर लेती है, बस उसको थोड़ी सी आज़ादी चाहिए। आज़ादी का लुफ्त मत उठाइए कि आपको आज़ादी मिल गई तो आप बिगड़ गई। आपको मैंने कविता में जो बताया, आज़ादी का लुफ्त मत उठाइए, आज़ादी को अच्छी तरीके से जीना सीखिए। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि नारी को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, सारे अधिकार दीजिए जो वो चाहती है, वो भी आपके प्यार की प्यार का अधिकार पाना चाहती, उसे भी सारे अधिकार मिलने चाहिए, उसे भी समाज में रहने का अधिकार है, उसे भी अच्छे ढंग से खाने पीने का अधिकार है, उसे भी खुशी अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो मैं अपने व्लॉग को अब यहीं फिनिश करती हूँ, एंड आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आए। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आप जैसा भी फीडबैक देंगे हम स्वीकार करेंगे। बाय।